नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo S19 Pro 5G versus Vivo V30e का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो S19 Pro में 6.46 इंच जबकि V30e में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो S19 Pro में 2.95 इंच जबकि V30e में 2.94 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो S19 Pro में 0.3 इंच जबकि V30e में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो S19 Pro में 192 ग्राम जबकि V30e में 188 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन S19 Pro में 1260x2800px FHD+ और V30e में 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो S19 Pro में 90.23% जबकि V30e में 90.33% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो S19 Pro में 453 पिक्सेल प्रति इंच जबकि V30e में 388 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो S19 Pro में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और V30e की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो S19 Pro में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और V30e की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो S19 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और V30e में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो S19 Pro में Immortalized G715MC11 जबकि V30e में Adreno 710 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो S19 Pro में MediaTek Dimensity 9200+ और V30e में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 मिलता है। बात करें रैम की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB रैम मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो S19 Pro में 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि V30e में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो S19 Pro में नहीं है जबकि V30e में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5500mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो S19 Pro में 3 कलर्स जबकि V30e में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो S19 Pro में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 38,700 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें वो 30 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 29,990 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 29,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Vivo S19 Pro 5G में 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo V30 की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में S19 Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो F25 Pro 5G है, दूसरा नथिंग फोन 2A 5G है, तीसरा Vivo V30 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी A55 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।